मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच शुरू हुई तल्खी अब नरम होती नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच अब सुलह के आसार भी बनते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बड़े नेता का एक संदेश आया है, दोनों पार्टियों के बीच जो नाराजगी है उसे बैठकर सुलझाया जाएगा। अपने बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं, हमें कांग्रेस की बात माननी ही पड़ेगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव मुलाकात कर बिगड़ी बात को संभालने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने भी अपने तेवर नर्म किए और कहा कि गठबंधन में कोई गांठ नहीं है, अगर कांग्रेस को जरूरत होगी तो हम जरूर गठबंधन करेंगे, हम मना नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने शनिवार को हरदोई में पत्रकारों से कहा कि पहले भी सपा ने भाजपा को हराने के लिए पहले भी कांग्रेस का साथ दिया है, अगर किसी पॉइंट पर लगे कि सपा की जरूरत है तो हम साथ देंगे, बस कांग्रेस को अपना वादा याद रखना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के नेता आईपी सिंह को निर्देश देकर सोशल मीडिया से अपनी राहुल गांधी पर की गई विवादित पोस्ट हटाने को कहा। माना जा रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से सपा नेता संपर्क में हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का नाम लिए बिना कहा उन्हें किसी के पिता तक नहीं जाना चाहिए था। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और अजय राय को छुटवैया नेता बताया। इसके बाद हरदोई में अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने उन्हें संस्कारों की याद दिलाई थी कि किसी के पिता तक नहीं जाना चाहिए। अजय राय ने कहा कि अखिलेश ने पिता का सम्मान तक नहीं किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। सपा का कहना था कि कांग्रेस ने उन्हें 6 सीटें दी थी, जबकि बात कुछ और हुई थी। इसके बाद अखिलेश की नाराजगी साफ नजर आई। सीतापुर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था रात 1 बजे तक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ सीट को लेकर मीटिंग की थी, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। अखिलेश ने कहा था कि अगर उन्हें पता होता कांग्रेस इस तरह का व्यवहार करेगी तो वो अपने नेताओं को भेजते ही नहीं और ना ही उनका फोन उठाते। वहीं अखिलेश यादव से जब अजय राय के बयान को लेकर सवाल किया गया तो सपा प्रमुख ने उन्हें चिरकुट नेता बता दिया। अखिलेश ने इसके अलावा कांग्रेस को हिदायत दी थी कि ऐसे नेताओं से सपा और कांग्रेस के लिए किसी भी तरह की बयानबाजी न करवाएं। सपा के 2 दिवसीय कार्यक्रम में हरदोई पहुंचे सपा प्रमुख के तेवर कांग्रेस के प्रति शनिवार को ही नजर आ गए थे। हरदोई में अखिलेश ने कहा था गठबंधन में कोई गांठ या तल्खी नहीं है, कांग्रेस के पास बड़े नेता के जरिए संदेश पहुंचाया है, अगर कांग्रेस बुलाएगी और कहेगी कि जरूरत है तो सपा गठबंधन के लिए मना नहीं करेगी, पुरानी परंपरा पर जाकर गठबंधन किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि पहले भी सपा ने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का साथ दिया है।